हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्कएंजल टैरोट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी तो आप लोग हैं ही, ब्लेस्ड ही आप लोग हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्कएंजल टैरोट एक चैनल नहीं, एक फैमिली है। और जो लोग भी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान जी आपकी सारी विशेष पूरी करें, आपकी लाइफ में खुशहाली आए, बरकत आए, अबंडेंस आए। सो आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली वो कैसा सोच रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन भी दबा दें। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने क्रश के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर आप मिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में ऑफकोर्स सोच सकते हैं। तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप सोच सकते हैं कि वो आपके पास है, आपके साथ है, आपके करीब है, आप उनके लिए अच्छाई बुराई या कुछ भी सोच सकते हैं। बस आप उनके बारे में सोचिए, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना है। एंड माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं उनको स्टॉप करिए और सिर्फ अपने पार्टनर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जिसमें मैं जानूंगी कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा है एक दूसरे के साथ, कि आप लोगों का फ्यूचर है या नहीं है, आउटकम। ठीक है, स्ट्रेंथ तीनों पॉइंट आया। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, आपके कार्ड्स सिस एम्प्रेस एस ऑफ वांड्स स्ट्रेंथ। सो अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, लिटरली आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो। आपको एक होता है ना लाइफ में नर्चर करना, ठीक है, आपको उनके साथ लेके फील होता होगा कि वो आपकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आपके लिए वो कितने पैशनेट हैं। ठीक है, उनका प्यार लाइक फायरी है वो बहुत ज्यादा आपके लिए, और ट्रुथ है। ठीक है, ये प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है। एंड पैशन होता है ना लव में, जो पैशन होना बहुत जरूरी है वो है यहाँ पे आपके बारे में। एंड इट्स वेरी वेरी गुड, लाइक आगे मुझे लग रहा है कि बहुत चांसेस है आपके प्यार में ग्रोथ आने की, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आने की, दूसरे से जो आप प्यार करते हैं उसमें बढ़ोतरी होने की। एंड चांसेस है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए, अगर आप लोग मैरिड है तो चांसेस बहुत है कि वो आपको प्यारा समय, इतना नहीं बोलूँगी ज़्यादा कुछ पड़ा, लेकिन हाँ जो वो जनरली नहीं करते होंगे आपके पार्टनर आपके लिए वो करेंगे। लाइक मे बी आपके लिए कुछ सरप्राइज हो, कुछ प्लान ऐसा करेंगे जो आपके लिए ऐसा हो कि उन्होंने ऐसा कभी करा नहीं है, बट स्टिल बस आपके लिए करने वाले हैं। सो जो आपके पार्टनर हैं वो आप, आपको पता है ये, प्लीज ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता, लिख के बताना। अब कई बार लगता होगा जैसे कि जैसे आपकी मदर आपकी केयर करती है, आपकी छोटी छोटी चीजों की, ऐसे आपके पार्टनर भी आपकी केयर करते हैं। ठीक है, वो आपकी बात लाइक अगर उनको लग रहा है कि हाँ आपको ये चीज अच्छी लगती है, आपको वो चीज अच्छी लगती है, तो वो अपनी बात को साइड में रखती है। जैसे मदर का नेचर होता है सेक्रीफाइसिंग की, तो बच्चों को चाहिए होता है वो, उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो उनके लिए करना, ऐसे आपके पार्टनर है।
कि आपको जो अच्छा लगे, आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपसे, लाइक चाहे उनके मन में कुछ भी हो लेकिन एक आपके लिए वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं और खुशी खुशी कर सकते हैं आपके प्यार के लिए, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए. एंड आपको लगता होगा जब आप उनके साथ रहते हो आपको बहुत होमली फीलिंग आती होगी, हाँ कि मुझे घर जैसा फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है. लाइक उनको देख के ना आपको जब जाम आता है ना वैसा ही पैशन उनको आता है आपको देख के सिंपल. और अभी भी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. उनकी करेंट फीलिंग्स ये हैं कि उनको आपकी फिक्र लगी रहती है. ठीक है, अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, जहाँ तक मुझे लग नहीं रहा है कि बातें नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, मे बी अगर चांसेस हैं आप लोगों की बातें नहीं हो रही है तो स्टिल उनको आपकी फिक्र है. ठीक है, बेशक नाराज हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, प्यार व्हाट्सएप भी उतना ही करते, उतना ही पैशन है उनके प्यार में आपके लिए एंड आपकी बहुत फील करते हैं गाइस. ठीक है, सो अगर वो आपसे नहीं बोल रहे इट मीन्स कि उसमें भी वो आपकी फिक्र कर रहे हैं या आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, वो उनको आपको वो बात समझाने के लिए आपसे कुछ बात कर रहे हैं बट बात नहीं कर रहे हैं, नाराज है, ऐसा कुछ है तो समझा रही बट ऐसा नहीं है तो मैं बोल ही रही हूँ माशाल्लाह आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे आप जितना पैशन एक प्यार में होना चाहिए ना. लाइक बहुत फायरी एनर्जी होती है, आपको भी लगता होगा कितना अट्रैक्टिव नेचर है और वो आपको देख के होते ना पागल से हो जाते हैं ऐसा मैंने. एंड एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं तो कंग्रेचुलेशन गाइज, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप लोगों की शादी होने की, बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड आपके पार्टनर को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है ये मुझे लग रहा है. अगर आता होगा ना तो अब आप देखोगे कि उनको इतना ज़्यादा वो चीज़ों पर गुस्सा नहीं करता है, चीज़ों को वो प्यार से टैकल करना शुरू कर देंगे फ्यूचर में. ठीक है, क्योंकि गुस्सा करने से अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है जो कि वो नहीं चाहते, वो आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते, वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, तो वो आगे अपना गुस्सा भी कम करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. जो चीज़ें लाइक उनको पता है कि मैं गुस्से से या ऐसे आपसे नहीं मनवा सकता हूँ या मनवा सकती हूँ तो वो प्यार से आपको चीज़ें बनाएंगे एंड बहुत ग्रेसफुली रखेंगे आपको. आपकी छोटी छोटी चीज़ों की आपकी वो केयर करते हैं ये तो आप भी जानते हैं. एंड हाँ, जो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को जहाँ ले जाना चाहेंगे ना आप वहाँ पहुँचें डेफिनेटली. एंड ये मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, अगर आप शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप में नहीं है एंड स्टिल आपका कोई क्रश है तो आप उनके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं तो वो भी होने के मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. एंड लाइक मैं ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगी बट आई वुड से कि स्ट्रेंथ कार्ड और ये बहुत मेजर अर्कान है, पता है दो मेजर अर्कान है. ठीक है, एंड इट इज मतलब ऐसे पर्सन है ना अगर आपके लाइफ में, आई वुड से कि ग्रैब इट, तो पकड़ लो, जाने मत दो उनको कहीं भी. ठीक है, कि जेन्युइन यहाँ पे मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए, जेन्युइन. ठीक है, सच में वो केयर करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा, सच में आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं. ठीक है, लाइक एवरीथिंग इज ऑसम यार, हर चीज़ अच्छी है. सॉरी मैं अपने पास ही कहती हूँ बट ठीक है, हवा से हर चीज़ बहुत सही है. आई लाइक दिस रीडिंग, दिल से मुझे ये रीडिंग बहुत पसंद है. अगर रेजोनेट करी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना. ठीक है, क्या आपको रेजोनेट करी या नहीं करी, रिस्पॉन्स देते रहना गाइस. आई जस्ट वांट दैट पॉइंट, मुझे मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट रीडिंग कल आएगी, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे.